नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 16 जून और 16 जून की प्रमुख खबरें क्या है वो जान लेते हैं जो आज के सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आप यूपी टेट की साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेस फ्री प्लेटफॉर्म पर और प्लस प्लेटफॉर्म पर दोनों पर अनअकैडमी पर बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जा कर के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द हमारे TGT PGT साइंस के भी लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ पर अपडेटेड रहें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर है कि अब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती मामले में इतनी बड़ी धांधली होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आंतरिक फेरबदल होने की तैयारी है। शासन से इसकी हरी झंडी मिल चुकी है। जैसे ही परीक्षा नियंत्रक जो नए नियुक्त किए गए हैं अरविंद मिश्र जैसे ही कार्यभार ग्रहण करते हैं उसके बाद यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अंदर का जो फेरबदल है वो होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनका फेरबदल किया जाएगा और इसके बाद जो नए परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किए गए हैं इसमें से अब नया प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के पैनल गठित किया जाएगा। साथ ही परीक्षा भूमिका के महत्वपूर्ण निभाने वाले पेपर सेटर जो हैं, मॉडरेटर हैं, पैनल हैं, इनका पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं गोपनीय कार्य में कुछ ऐसे मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी लगे हुए हैं जो परीक्षा कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका भी आंतरिक फेरबदल किया जाएगा ताकि जो आगामी परीक्षाएँ हों उसमें पेपर लीक वगैरह की गुंजाइशें कम हो जाए। दोस्तों अक्सर यही होता है कि जो अधिकारी या कर्मचारी लगातार एक पद पर कार्यरत होता है तो फिर पेपर वहाँ पर लीक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को चलते यहाँ पर शासन से हरी झंडी मिल गई है, आंतरिक फेरबदल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत जल्द होने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक थी अंजू कटियार, इससे पहले जो परीक्षा नियंत्रक थे प्रभुनाथ, दोस्तों इनके जो करीबी रहे हैं जो जिनसे ज़्यादा संबंध रहे हैं, प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, उनसे भी यहाँ पर जांच चल रही है कि कौन कौन से कर्मचारी थे जिनसे इनकी ज़्यादा पड़ती थी, उनको भी यहाँ पे तलाश चल रही है और उनकी भी यहाँ पर फेरबदल होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में लोक सेवा आयोग को लेकर के। वहीं पर दोस्तों अब 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट दिया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर परीक्षा संस्था मौन। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि संस्था चाहे तो उत्तर कुंजी जारी कर सकती है संशोधित, लेकिन दोस्तों अभी तक परीक्षा संस्था पूरी तरीके से मौन है। यहाँ पर उत्तर कुंजी संशोधित वाली जारी नहीं की जा रही है और यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है इस माह जारी होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब कारण क्या दोस्तों कि जो इसका केस है जुलाई माह में लगा हुआ, जुलाई माह में ये केस अंतिम दौर में चलेगा अपना, तो जुलाई माह में जैसे ही केस फाइनल होता है उसके बाद ही यहाँ पे संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी। फिलहाल अभी कोई यहाँ पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की अपडेट यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज है TT के प्रमाण पत्र वितरण को लेकर के। इलाहाबाद यानी प्रयागराज डाइट में प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र वितरण के लिए कुल मिलाकर के 19 काउंटर बनाए गए हैं। 19 काउंटर में प्रमाण पत्र का वितरण 17 जून से 19 जून के बीच किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्रयागराज के हैं अपने संबंधित डाइट में जाकर के वहां से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। क्या क्या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के ले जाना है तो यहाँ पर दिया गया प्रवेश पत्र, 2 फोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल से स्नातक BEd BTC के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी ले जाना है और छाया प्रति भी ले जाना है। इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे तो प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज है यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए एक तरीके से वरदान है। यहाँ पर देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग में कई सारे शिक्षा विभाग में
बदलावों को मंजूरी दी है। इसी को लेकर के यहाँ पर योगी सरकार द्वारा कहा गया है कि अब जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे वो जूनियर के हों, चाहे इंटर कॉलेज हों, सभी जो स्कूल हैं 25 जून से खोलने का निर्देश दे दिया गया। वहाँ पर बच्चे नहीं आएंगे, बच्चों के लिए 1 जुलाई से ही स्कूल खुलेगा, लेकिन टीचर कर्मचारियों के लिए स्कूल 25 जून से खुल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों का कहना है कि अभी तक उनको 11 माह का वेतन मिलता था, जून का नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर 25 जून से स्कूल खुलेंगे तो इनको 12 महीने का वेतन मिलेगा। ठीक है, कारण क्या है दोस्तों, ये बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि इनको 12 माह का वेतन दिया जाए, वर्ष भर का पूरा वेतन दिया जाए। अब योगी सरकार ने ऐसा ऐलान करते हुए शिक्षा मित्रों की किस्मत खोल दी है। अब ये लोग पूरे 12 महीनों के वेतन की मांग करेंगे, और मांग होगी तो जाहिर सी बात है इनके प्रति काफ़ी सारी उम्मीद है परमानेंट होने की, या फिर और भी काफ़ी सारी जो इनकी मांग थी वो यहाँ पर पूरी होने की संभावना दिख रही है। इसीलिए इनके जो शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र साई हैं, उन्होंने इसका खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि खुशी खुशी उल्लास के साथ 25 जून को वो सभी शिक्षा मित्र जा करके अपना अपना स्कूल खोलें। ठीक है, अब दोस्तों अगली न्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से एक घोषणा की गई है कि प्रदेश में इसी वर्ष यानी बहुत जल्द 37 नए ITI खोले जाएंगे। ठीक है, इनके लिए पूरा जो ज़मीन है वो उसका अधिग्रहण हो चुका है, पैसा पूरा पहुंच चुका है, और बहुत जल्द ये 37 ITI पूरे प्रदेश भर में खुलेंगे। कहाँ कहाँ ITI खुलेंगे तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि इन ज़िलों में ITI खोले जाएंगे, और अगले 3 सालों में 400 नए ITI खोले जाएंगे, और कुल मिलाकर के यहाँ पर जब ITI खुलेंगे तो शिक्षक भर्ती भी खुलेगी रास्ता उनकी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दिया गया कि 5 सालों में 70 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य योगी सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है कि अगले 5 सालों में ITI में 70 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर, अगर ऐसा होता है तो कम से कम किसी न किसी युवा का तो यहाँ फायदा ही होगा, उसको जॉब यहाँ पर लगेगी। ठीक है, फिलहाल जो अभी 37 ITI नए खुलने हैं इसमें करीब 20,000 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में यहाँ पर नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। वहीं पर दोस्तों एक अपडेट ये भी आपके लिए है कि जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनकी तरफ से अपडेट दिया गया है कि जिन इंटर कॉलेजों में जहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है वहाँ पर रिटायर्ड शिक्षकों को संविदा पर रखकर पाठ्यक्रम पूरा करें, दिनेश शर्मा की तरफ से अपडेट लगाया गया है। तो दोस्तों ये एक कह सकते हैं अगर युवाओं की नज़र से देखा जाए तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो रिटायर शिक्षक हैं उनको संविदा पर रखे जाएँ। तो रिटायर जो शिक्षक हैं वो ऑलरेडी अनकैपेबल हैं पढ़ाने में, इसीलिए उनको रिटायर किया गया है। अब अगर रिटायर्ड शिक्षकों को पुनः संविदा पर पढ़ाया लगाया जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि जो प्रशिक्षित हैं, जो उस लायक अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको संविदा पर लगाया जाता तो उन अभ्यर्थियों का रोज़गार चलता, उन अभ्यर्थियों का बेनिफिट होता, उनको कम से कम एक रोज़गार मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। यहाँ पर देख सकते हैं रिटायर्ड शिक्षकों को लगाया जाएगा, लेकिन प्रदेश भर में लाखों उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं इंटर कॉलेजों में पढ़ाने की, उनको यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। तो ये अभ्यर्थियों के हिसाब से एक बड़ी दुखद खबर कह सकते हैं। अब दोस्तों अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। ये जो न्यूज है BEd प्रवेश परीक्षा को लेकर के, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो पाए तो छात्र घबराए। दोस्तों इस समय BEd की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुकी है, अब इस समय फीस पेड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के चलते यहाँ पर जो फीस थी वो पेड की जा रही है, बहुत से अभ्यर्थियों के खाते से पैसा ट्रांसफ़र हो जा रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी के खाते में नहीं पहुंच पा रहा, उनको सक्सेस का मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के लगभग 1600 छात्र छात्राएं परेशान हैं जिनके खाते से पैसे कट गए हैं लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे थे। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं BR कुकरेती, उन्होंने बताया है कि ये जो सर्वर है की दिक्कत का कारण आ रहा है, आप लोग घबराएं नहीं, ये समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। जो पहले दिन की समस्या थी जिसमें 1600 अभ्यर्थियों के फीस कट गई थी उनका पूरा जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो चुकी है, और जिनके कल ये दिक्कत आई है, ठीक है, उनकी भी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी, आप लोग घबराएं यहाँ पर नहीं। वहीं पर दोस्तों
दूसरे चरण की काउंसलिंग में 61,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। वहीं पर जो छात्र पहले चरण की काउंसलिंग में किसी कारण से कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाते हैं या फिर उनको कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है पहले चरण की काउंसलिंग में, तो उनको दोबारा मौका 19 जून को दिया जाएगा। 19 जून को वो छात्र छात्राएं दोबारा से अपना यहाँ पर कॉलेज लॉग कर सकते हैं और फॉर्म वगैरह जो भी है पूरा अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी। वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दी है कि 25 जून से ही खुलेंगे सरकारी विद्यालय, जितने भी सरकारी विद्यालय सब 25 जून से खुलेंगे। और यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से काफ़ी निर्देश दिए गए हैं। इस कड़ी में जो प्रमुख निर्देश है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला निर्देश है कि विश्वविद्यालयों की तरह स्कूलों में लागू किया जाए शैक्षिक कैलेंडर, किस माह में कितना पढ़ाया जाना उसका पूरा सिलेबस बताया जाए, पहले से निर्धारित किया जाए उसी के अनुरूप यहाँ पर पढ़ाई हो। साथ ही जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में एक महिला शिक्षिका की तैनाती आवश्य रूप से की जाए। त्योहारों पर भी महापुरुषों के बारे में छात्रों को ज्ञानवर्धन किया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वहीं पर दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फिलहाल लागू की गई हैं योगी सरकार के द्वारा आने वाले शैक्षिक सत्र के लिए। तो ये यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है। अब दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये जो न्यूज़ है उत्तर प्रदेश TGT PGT भर्ती को लेकर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 जून को चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव करने की तैयारी। दोस्तों एक समय था कुछ दिन पहले आयोग ने कहा था कि 12 जून तक TGT PGT वर्ष 2016 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी और कुछ विषयों के लिखित परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 16 जून है, अभी तक ना तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है और ना ही किसी विषय का परिणाम आया है। इसको लेकर के छात्र छात्राएं नाराज हैं और 17 जून को चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों अगर आप भी प्रयागराज के हैं तो यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर अवश्य जाएँ। वहीं पर दोस्तों ये न्यूज है लोक सेवा आयोग से PCSJ रिजल्ट को लेकर के आ रही है कि PCSJ प्री और मेंस में 7 बैठे 8 अभ्यर्थी पास। दोस्तों अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो PCSJ की परीक्षा में मतलब प्रीलिम परीक्षा में एक ही कमरे में 7-7 बैठे थे, PCSJ प्री में भी पास कर दिए गए और वही परीक्षार्थी PCSJ की जब मुख्य परीक्षा हुई उसी कमरे में 7-7 बैठे थे 8 अभ्यर्थी और वो भी पास कर दिए गए। जबकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी सारे वर्षों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और उनको यहाँ पर इंटरव्यू में नाम उनका नहीं आया, बल्कि यहाँ पर कुछ जुगाड़ की वजह से नकल की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार एक ही कमरे में एक साथ बैठे थे उनको पास कर दिया गया। इसलिए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है और उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी अपनी कापियों के लिए आवेदन करेंगे, RTI के तहत हमारी कापियाँ दिखाई जाएँ और अगर ऐसा कुछ नहीं होता न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, न्यायालय में का रास्ता खटखटाएंगे यहाँ पर। तो ये दोस्तों अपडेट थी इसको लेकर के। तो दोस्तों ये आज की प्रमुख अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।